तो ही व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक और नया शेड पैक। एंड गाइस आज मैं आपको शेड पैक बताने वाला हूँ। ये जो शेड पैक है ना, अगर आपके पास, अगर आपका जो फोन है अगर वो लो एंड डिवाइस है, मतलब कि अगर आपके फोन के अंदर 1 GB या फिर 2 GB रैम का डिवाइस है, तो गाइस आज मैं आपको शेड पैक बताने वाला हूँ ना। ये जो शेड पैक है ये गाइस आप लोग के डिवाइस के लिए काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का शेड पैक है। साथ में गाइस ये जो शेड पैक है ना, इसके अंदर जो ग्राफिक्स क्वालिटी ना, वो भी आपको यहाँ पर एकदम हाई क्वालिटी की देखने को मिल जाती है, जो कि आपके फोन के अंदर एकदम गजर बिना किसी लैग के चल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो अगर आपको भी शेड पैक को खेलना आपके माइनक्राफ्ट की पॉकेट एडिशन के अंदर, तो जोर से इस वीडियो को एंड तक देखना, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी टाइप से गेम से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए। तो चलते गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइस इसकी जो डाउनलोड प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में चल जाना है, वहाँ पर गाइस आपको मीडियाफायर की डाउनलोडिंग देखने को मिल जाएगी, वहाँ से गाइस आप इसे वन टैप पे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने पर गाइस इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको गाइस यहाँ पर एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ZArchiver, जो गाइस आपको प्ले स्टोर एकदम फ्री देखने मिलता है। तो गाइस आपको वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ZArchiver ऐप को ओपन करना है। देन आपको जाना है जहाँ पर आपने इसे डाउनलोड करा, तो यहाँ पर मेरा एल नाम के फोल्डर में, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेड पैक दिख रहा है, जो कि यहाँ पर MC पैक में है। तो गाइस आपको इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। देन आपको जाना है पर रीनेम पे। रीनेम पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ जो जिप दिख रहा है आपको उसे काट देना है, एंड जो डॉट है इसे भी काट देना। फिर आपको डन पर क्लिक करके ओके करना है। फिर आपको कुछ इस टाइप की फाइल दिखेगी, तो गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा व्यू, तो व्यू के साइड में आपको एरर दिख रहा है, आपको सर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे एरर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका माइंड कप ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तब से पूछेगा, तो गाइस आपको माइंड कप को ही ओपन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा माइनक्राफ्ट है यहाँ पर ओपन हो चुका है, एंड ऊपर देख सकते हो लिखा आ चुका है इंपोर्ट स्टार्टेड। तो गाइस आपको ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, आपके यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका इंपोर्ट होगा तो गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना है, फिर आपको जाना है पर ग्लोबल रिसोर्स पे, देन आपको जाना है पर माय पैक्स पे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेड पैक दिख रहा है, तो गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेना है। फिर गाइस आपको बैक आके आपको आपके वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड है यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पर आप हमारे शेड पैक की ग्राफिक्स क्वालिटी को देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ऑसम लग रही है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड है इसके अंदर आपको एकदम है ना ब्राइट क्वालिटी का वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर जो भी कलर्स वगैरह है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन करी, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड यहाँ पर जो आपको वेदर देखने को मिल जाता है, ये आपको एकदम यहाँ पर फॉगी टाइप का वेदर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आप इसके स्काई को देख सकते हो। यहाँ पर जो इसका स्काई है ये गाइस आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सेचुरेट देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है, एकदम ब्लू टाइप का है। एंड उसी के साथ में यहाँ पर आप इसके सन को देख सकते हो, जो कि इसका सन भी यहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो पहले जैसे ही, लेकिन पहले से काफी ज्यादा ब्राइट है। उसके अलावा गाइस आप यहाँ पर ट्री को देख सकते हो, ये वाला जो ट्री है इसकी जो भी यहाँ पर लीव्स वगैरह ये गाइस यहाँ पर वेव कर रहे, मूव कर रहे, जो कि ये भी देखने में काफी ज्यादा ही बेस्ट लग रहा है। एंड उसी के साथ में ये जो ट्री है इसकी आपको यहाँ पर रियल टाइम शैडो देखने मिल जाती है, जो कि ये भी काफी ज्यादा ही बेस्ट है। एंड अब गाइस आपको मैं यहाँ पर है ना इसका वाटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका वाटर है ये भी गाइस आपको यहाँ पर है ना काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, थोड़ा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। उसके अलावा ये गाइस यहाँ पर वेव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो कि ये भी देखने में काफी ज्यादा बेस्ट है। अब मैं आपको इसका अंडरग्राउंड स्विम करके इसका व्यू दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो व्यू है ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा सही लग रहा है, इसमें भी गाइस आप यहाँ पर है ना एकदम क्लियर तरीके से सारी चीजें देख सकते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो ओवरऑल जो शेड पैक है ना काफी ज्यादा बेस्ट है, एंड गाइस लो एंड डिवाइस के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट है। तो आपको ये वाला शेड कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा अगर आपको इसे डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर से करना, मैं गाइस कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो, गाइस फटाक चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी टाइप से गेम से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं तब से कल को नई वीडियो में। गुड बाय।